हेलो फ्रेंड्स, एक बार दोबारा आपका स्वागत है टुक टुक टेक बोर्ड में, पियाजो के लिए डेडिकेटेड चैनल। आज मैं आपको कुछ ऐसा दिखाने वाला हूँ जो आप लोगों ने शायद कभी मुश्किल से कुछ लोगों ने देखा होगा या देखने को मिला होगा। ये देखिए कमाल की बात, ये पियाजो की फेमस गाड़ी जिसके अंदर इंजन नहीं है। देखिए यहाँ पर इंजन होता था लेकिन नहीं है। उसके बाद ये गाड़ी में इलेक्ट्रिक से चार्ज हो रही है। ये इसका चार्जर, आप आवाज़ सुन पा रहे होंगे चार्जिंग की, जो कि आगे जुड़ा हुआ है। उसके बाद इस गाड़ी के अंदर कोई भी क्लच लीवर नहीं है, इस गाड़ी में कोई गियर नहीं है, ना ही इस गाड़ी में सिर्फ एक सिंपल एक्सीलेटर है। और आप देखेंगे तो इस गाड़ी के अंदर मीटर के अंदर सिर्फ कुछ लाइट ही आएंगी, जो कि अभी चार्जिंग हो रही है इसलिए नहीं आ पा रही है, लेकिन आएंगी। अब ये गाड़ी चलती कैसे है, ये क्या चीज़ है, मैं आपको इस गाड़ी के बारे में बताने वाला हूँ। ये गाड़ी पियाजो की हिंदुस्तान में हमारी पहली L5 के अंदर हमारी इलेक्ट्रिक गाड़ी है पियाजो की, जो कि फ्रंट से कुछ ऐसी दिखती है। अभी ये रैप की गई है ऑलरेडी, ये कहीं डिलीवर होने वाले कस्टमर के लिए, और इलेक्ट्रिक चार्ज पे चलती है। ये गाड़ी के अंदर जो फ्यूल है इसका, वो जो फ्यूल है वो टोटली बिजली है, बिजली चलती है। और ये पूरी गाड़ी स्टील की है, कहीं पर भी कोई फाइबर या कुछ भी ऐसा यूज़ नहीं किया गया। देखिए ये देखिए ये देखिए, ये सब लोहा है, स्टील है, मजबूत, बेस्ट क्वालिटी का। ब्लू कलर के अंदर ब्यूटीफुल डैशबोर्ड। इस गाड़ी के अंदर नीचे वैसा ट्रेडिशनल ब्रेक पैडल है, और गाड़ी को चलाने के लिए रिवर्स, न्यूट्रल, फॉरवर्ड और बूस्ट मोड है। यदि आप बहुत ज़्यादा कहीं चढ़ाई पे चढ़ रहे हैं, आपको पिकअप की जरूरत है, तो बूस्ट मोड भी है। गाड़ी चलाने के लिए सिंपल आपको इस एक्सीलेटर को घुमाना है ऐसे करके, ये आगे बढ़ेगी। ये हॉर्न के लिए, इंडिकेटर के लिए और ये लाइट के लिए स्विच दिया गया। हैजार्ड्स लैंप, वाइपर और फ्रंट हेडलाइट। यहाँ पर म्यूजिक सिस्टम के लिए जगह दी गई है, आप म्यूजिक अपने स्पीकर लगा सकते हैं। और ये यहाँ पे आपको एक एमरजेंसी स्विच दिया जाता है इन केस ऑफ किसी एमरजेंसी के लिए, यहाँ पे एक स्विच दिया गया। यदि कोई ऐसी एमरजेंसी होती है इसको दबा के आप सारे ऑपरेशन बंद कर सकते हैं। ये गाड़ी के अंदर टेलीमेटिक्स बॉक्स है, जो कि गाड़ी कहाँ पर है, किस पोजीशन में, कैसे चल रही है, उसके बारे में पूरी जानकारी आपके मोबाइल में देता है, इसका एक ऐप आता है। अब इस गाड़ी के अंदर छोटा सा बैटरी दिया गया, इसे ऑक्सिलरी बैटरी बोलते हैं। ये एक ऑक्सिलरी बैटरी है जिसका काम है सिर्फ गाड़ी के अंदर जो डैशबोर्ड के जो फंक्शंस हैं, लाइक आपका हेडलाइट है या जो चीज़ें हैं या जो हॉर्न वगैरह, वो सारे चलें और ऑपरेशन करते रहें। गाड़ी के अंदर बहुत कंफर्टेबल सीट दी गई है, गाड़ी चलाने बड़ी ईजी है, हेडरूम बहुत ज़्यादा है। आप देखेंगे तो कितना ऊंचा हेडरूम है यहाँ पे पूरा जगह दी गई है जिससे कि कोई भी आराम से बैठ सकता है। वेंटिलेशन की विंडो दी गई है। और ये पियाजो का एक ट्रस्टेड व्हीकल है, व्हीकल प्रोडक्ट है, जो कि देखिए पूरा स्टील है। सस्पेंशन सिस्टम वैसे है। अब ये गाड़ी चलती कैसे है, इस गाड़ी के अंदर आप पीछे दिखाऊंगा मैं आपको। देखिए कंपोनेंट के नाम पे कुछ ज़्यादा नहीं है। ई बॉक्स है सामने पियाजो का, ये ब्लैक कलर का ई बॉक्स है। ये इसको मोटर दी गई है, वो डीसी कन्वर्टर है और कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है। कार जैसे ड्राइव शाफ्ट हैं जो कि लॉन्ग रन के लिए चलने वाले हैं, दोनों तरफ, इधर भी और उधर भी। इस गाड़ी को एक्चुअल में जो पावर दी गई है वो मैं आपको दिखाता हूँ, वो दी गई है इसमें लिथियम आयन बैटरी से प्योर पावर, इसको पावर मिलती है, जो कि इसके नीचे कंपार्टमेंट में ये है, ये लिथियम आयन का पावर बैक्स है, पावर बॉक्स है, जिसका अपना बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है, क्योंकि सील्ड है, वाटरप्रूफ है, पानी की एंट्री हो सकती है। गाड़ी को चार्ज करने के लिए यहाँ पे केबल दी गई है, जो कि गाड़ी से इससे चार्ज, बैटरी से चार्ज होती है, मेन बैटरी चार्ज होती है, और उसी मेन बैटरी से इस ऑक्सिलरी बैटरी की भी चार्जिंग अपने आप होती रहती है। ये गाड़ी चलाने में ईजी है, मैंने बहुत सारे लोगों से बात करी है, कस्टमर से बात करी है, उनका फीडबैक लिया है, सबका ये कहना है कि गाड़ी चलाने में ईजी है, कम्फर्टेबल है, थकान नहीं होती, पिकअप अच्छा है, भागती है, 600 किलो के करीब वजन लेके जाती है और लगभग 90 से 100 किलोमीटर इसी अंदर रेंज आराम से मिल जाती है। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि गाड़ी का डैशबोर्ड कैसे काम करता है, इसके लिए मुझे पावर सप्लाई बंद करनी होगी। ये मैंने पावर सप्लाई इसकी बंद कर दी है। अब ये देखिए, जैसे ही हमने ये पहले चाबी ऑन करी थी कुछ नहीं आया था, मैं चाबी ऑफ करता हूँ, सिस्टम ऑफ, मैं चाबी ऑन करूँगा यहाँ से।
डैशबोर्ड पे सारी जानकारी इसके अंदर आ गई है। इसके अंदर आप देखेंगे रिवर्स जाना है तो मैं इस नॉब से रिवर्स पे करता हूँ, यहाँ बदलेगा लाइट, रिवर्स, न्यूट्रल, फॉरवर्ड, बूस्ट मोड। गाड़ी में चाबी लगी हुई है उसका इंडिकेशन आ रहा है। ये गाड़ी ओवरहीट होगी कुछ दिक्कत आएगा। इसमें ट्रिप मीटर तक दिया गया है, ये देखिए ट्रिप मीटर की फैसिलिटी दी गई है। ये बैटरी का एसओसी दिखाता है कि बैटरी कितना चार्ज है, रेंज कितना, अभी 1 किलोमीटर चलिए गाड़ी। स्पीड दिखाता है, आप देखेंगे तो आपको स्पीड देखने को मिलेगी इसके अंदर। और मोर ओवर जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसको चलाना बड़ा ईजी है, खाली इससे एक्सेलेटर से इसको आप जैसी स्कूटी चलाते हैं वैसे चलती है। इस गाड़ी में इतना कंफर्ट है, इतना आराम है कि आप बैठे बैठे इस गाड़ी को आराम से ऑपरेट कर सकते हैं, आराम से चला सकते हैं। ये देखिए, अब मैं यहाँ से हेडलाइट ऑन करता हूँ, सामने देखिए हेडलाइट, ये देखिए हेडलाइट चल पड़ी, हेडलाइट ऑफ, पार्किंग लैंप ऑन, ये देखिए शीशे में दिख रहा है, अब ये हेडलाइट ऑन, ये ऑफ, ये हैजार्ड्स लैंप है, ये देखिए गाड़ी के हैजार्ड्स लैंप पूरे ऑन हो गए। पियाजो एक ऐसी कंपनी है जो सबसे पहले हिंदुस्तान के अंदर L5 के अंदर ईवी लाई है, जो कि कहीं पर इसके अंदर कोई फाइबर प्लास्टिक यूज़ नहीं किया गया और इस गाड़ी को प्रॉपर तरीके से स्टील बॉडी के ऊपर बनाया गया। देख सकते हैं मेरी हाइट लगभग 5 फुट 6 इंच है और मैं मेरे बैठने के बाद मेरे सिर पे देखिए कितना लगभग 1 हाथ से ऊपर का एक गैप आ रहा है। मोनोकॉक चेसिस है, मजबूत गाड़ी है। और ये गाड़ी का जो कलर दिया गया ब्लू कलर ब्यूटीफुल दिया गया। ये सामने भी कुछ दो गाड़ियाँ खड़ी हैं, मैं दूर से इनका लुक दिखाता हूँ, आपको बहुत पसंद आएगा। तो ये एक प्रोडक्ट है जो कि बहुत खूबसूरत प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और आने वाले टाइम का फ्यूचर है। और पियाजियो हमेशा फ्यूचर टेक्नोलॉजी में और अपने कस्टमर को के सपोर्ट के लिए उनको कुछ नया देने की हमेशा कोशिश करती है। तो ये हमने जो ये प्रोडक्ट है ये आपके आपके सामने इसकी डिटेल दी है, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मैं इसकी और माइक्रो लेवल डिटेल दूंगा। मैंने चार्जर अभी ऑन कर दिया, ये देखिए चार्जर ऑन हुआ और चार्जर ने काम करना शुरू कर दिया। देखिए चार्जिंग की लाइट आनी शुरू हुई, ये देखिए आई होप ये मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। और आप के मन में कोई भी सवाल होंगे आप मुझे पिंग कर सकते हैं, मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद आपका।